आज मैं यहाँ पे आप सबको बाजरा और आलू का टिकिया बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लूंगी बाजरे का आटा। ये मैंने एक कटोरी बाजरे का आटा लिया है। इसमें हम मतलब थोड़ा सा बेसन मिलाएंगे, क्योंकि ये है ना, बेसन मिलाने से थोड़ा वो ज्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा 1/4 कटोरी बेसन मिला रही हूँ। अब मैं मिला रही हूँ यहाँ में इसके अंदर आलू, जो हमने कद्दूकस किए हुए उबाल के, ठीक है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद मिलाएंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था पहले ही। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची कटी हुई बारीक। अब मैं डालेंगे इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये है हरे धनिया की पत्तियां, जो ये मैंने पहले ही काट के रख ली थी, ये भी मैं इसमें मिला देती हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च, जो ये ज्यादा तीखी नहीं है, मीडियम है, तो 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डालूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ। सौंफ इसलिए डालते हैं क्योंकि एक तो ये ठंडा रहता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और नमक अपन स्वादानुसार डालेंगे, ठीक है। इसे मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक। अब मैं इस आटे को इस तरीके से गूंथूंगी कि ये सारा मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें पानी मिलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखो पहले से इसमें आलू मिलाए हैं ना उबले हुए, उसमें पहले ही इतनी नमी थी कि ये अच्छे से गूंथ गया है। मैंने इसको गोंद के तैयार कर लिया है। ये इस तरीके से ऐसा बैटर बनेगा, ना तो ज्यादा गीला होगा ना ही ज्यादा टाइट होगा। ये हमने इसमें तेल डाल दिया है तवे के ऊपर, और अब इसमें छोटी छोटी लोइया बना के टिकिया की, और हम इसमें सेकेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है, मैं गांव दौलत सिंह की ढाणी की रहने वाली हूँ। मैंने आज यहाँ पे बाजरे की टिकिया बनाना सिखाई है महिलाओं को, जिसकी मैंने विधि सभी को लिखवा दी है और प्रैक्टिकल करके इनको दिखाया भी है। सारी चीजें जो मैंने मिलाई है उसमें इन महिलाओं की हाथों से मिलवाई है। जो यहाँ पे ये ट्रेनिंग चल रही है उसका आज 5वां दिन है। इसमें महिलाओं ने काफी चीजें सीखी है। अब मैं यहाँ पे महिलाओं को बारी बारी से सभी महिलाओं के हाथों से टिकिया बना के, इन महिलाओं को जो बना रही है वो ही बना के खा रही है। सभी बहुत खुश हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये टिकिया बहुत ही लाजवाब हैं। क्योंकि जो अपने बाजार में टिकिया मिलती हैं वो अरारोट या मैदा से बनी हुई मिलती है, तो अपने सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होती है वो, क्योंकि मैदा और ये अरारोट शरीर में जाता है तो शरीर में चिपक जाता है। और बाजरा है जो, बाजरा बहुत ही हल्का होता है, पचने में भी बहुत ही जल्दी पच जाता है। तो हम चाहते हैं कि मैं यही सलाह दूंगी सभी को कि अपने घर पे सभी ये महिलाएं जाके अपने घर पे अपने बच्चों को खिलाएं बना के। तो ये सभी महिलाएं यहाँ पे सभी बोल रही है कि हम जोर हो जाए सीख रहे हैं, वो अपने घर पे बनाती भी है और अपने बच्चों को खिलाती भी है। तो सभी महिलाओं को जो खा रही है उनके चेहरे पे देखने लायक खुशी है, और मुझे तो बहुत ही बहुत खुशी है क्योंकि मैं इन महिलाओं को सिखा रही हूँ। तो ये जो सीख के यहाँ जा रही है वहाँ पे बता रही है अपने घर पे जाके, तो इनके परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। और सभी को यही शिक्षा दूंगी कि अब कोई भी महिला मैदा को अवॉइड करेगी, बाजरे के प्रोडक्ट बना के खाएगी, क्योंकि ये हानिकारक नहीं है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे नाबार्ड को, युवा जागृति संस्थान को, क्योंकि हमें इस 90 महिलाओं को जो ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड करवाई है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद।
बोलो साहब नमस्कार। मेरे सामने डाणी नोक लाली, मेरे नाम गल हाँ मैंने ट्रेनिंग दे लिए, बहुत बढ़िया आलू की टिक्किया बनाई, तो मैंने भी सीखी तो बहुत बढ़िया टेस्ट आया। ट्रेनिंग देने वाले को भी धन्यवाद। और देखो सब काल तो चीलवा बनाए थे, परसों चीलवा बनाए थे, काल बाजरा का हलवा बनाया था, बहुत टेस्टदार बनाया, गर्वीदार बनाया। तो हमने यही सिखाया, मन ख्या का नहीं था।